going to talk about the cervical traction. So, first of all, cervical traction की अगर हम बात करें तो cervical traction में सबसे पहले जो things हमें याद रखनी है, things to be taken to remember. The first thing is, अगर हमें patient के पास कोई jewelry है या कोई भी ऐसा उसने ornaments पहना है तो वो हमें remove करवाना है, neck का, ears का. Second चीज़ होगा placement of the patient. Patient की position जो रहेगी supine रहेगी, knee आप flex कर सकते हैं अगर patient को back pain भी है तो. थर्ड जो रहेगा हमें क्या करना है, सर्वाइकल कॉलर. सर्वाइकल कॉलर को आपको क्या करना है, हमें जो सर्वाइकल रीजन में पेन है वहाँ एंड भी आपको चिन एरिया में प्लेस करना है, नेक कंप्रेस नहीं होनी चाहिए. उसके बाद हमने क्या किया, होल्डर को अरेंज किया है. होल्डर को अरेंज करने के बाद यहाँ पर कुछ मोड होते हैं, जैसे कि हमारे मोड की अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट मोड फिक्स किया है. इंटरमीडिएट मोड देन दी हमने होल्ड 20 सेकेंड का रखा है, रेस्ट रखा है हमने 5 सेकेंड के लिए. और जो सर्वाइकल ट्रैक्शन में जो वेट होता है, और यहाँ पे एक मोड होता है रिलीज एंड दी इंगेज. तो हम इसमें यहाँ पे इंगेज करेंगे तभी पेशेंट को पुलिंग इम्पैक्टफुल होगा. आफ्टर दैट हमने सर्वाइकल में 1/7 और 1/8 बॉडी का वेट हमने सेट किया है, तो मैंने भी 5 kg का ट्रैक्शन फिक्स किया है. इसके बाद हम स्विच को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के बाद पेशेंट को माइल्ड पुलिंग इफेक्ट फील होगा, जैसे कि हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल पुल होता है ट्रैक्शन में. 20 सेकंड तक वो पुल करके रखेगा, देन 5 सेकंड क्या होगा, वो रिलीज करेगा. रिलीज करने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को लाइक 1 to 2 मिनट आपको बेड पे ही रेस्ट करने देना है. उसके बाद पेशेंट को आपको रिलीफ देना है. नाउ रिलीज टाइम इज 5 सेकेंड. So the machine will automatically release like this. So this is about the traction machine. Thank you.